दोस्तों, जो लोग जितने अमीर होते हैं वहाँ पर रहने वाले लोगों की सोच भी उतनी ही ज्यादा मॉडर्न होती है, जिसकी वजह से उधर की सरकार को ही अपने देश पे कुछ ऐसे अजीबोगरीब रूल्स लागू करने पड़ते हैं जो वहाँ रहने वाले लोगों के लिए तो नॉर्मल से होते हैं, लेकिन बाहर के देशों से आने वाले लोगों को ये रूल्स उस देश की तरफ कुछ ज्यादा ही आकर्षित कर जाते हैं। ऐसा ही एक देश जर्मनी भी है। इस देश के रूल्स जितने मॉडर्न हैं उससे कहीं ज्यादा मॉडर्न तो इस देश में रहने वाले लोग हैं, जो इन अजीबोगरीब रूल्स को बड़े ही दिल के साथ, कुछ ज्यादा ही रेस्पेक्ट के साथ फॉलो करते हैं, क्योंकि ये रूल्स उनकी मस्ती के लिए ही तो बनाए गए हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको जर्मनी देश के कुछ ऐसे गंदे रूल्स के बारे में बताएंगे जिनको सुनने के बाद आप हैरान और परेशान हो जाओगे। लेकिन ये बताने से पहले प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ वाले बेल आइकन को जरूर क्लिक कर देना। दोस्तों, यहाँ के लोग सबसे ज्यादा मॉडर्न माने जाते हैं, जिसकी वजह से 1 जनवरी 2002 से ही यहाँ पर वैश्यावृत्ति को लीगल कर दिया गया। मतलब कि रात हो या दिन, लॉकडाउन हो या अनलॉक, यहाँ जो लोग वैश्यावृत्ति का काम करते हैं उनका बिजनेस कभी डाउन नहीं होता। अब दोस्तों, भले ही ये रूल आपको कुछ खास ना लगे, लेकिन अब जो रूल हम आपको इस देश के बारे में बताने वाले हैं उसको सुनकर पहले तो आप चौंक जाएंगे, फिर बाद में सोचेंगे, क्योंकि ये रूल ही कुछ ऐसा है। दोस्तों, जर्मनी में कोई भी व्यक्ति अगर फिजिकल चैलेंज यानी कि विकलांग है और वो किसी लड़की के साथ हमबिस्तर होना चाहता है तो इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जर्मनी सरकार लेती है और उसको उसी के पसंद की फीमेल वैश्या के साथ वो सब कुछ करने देती है जो वो करना चाहता है। और मजे की बात तो ये है कि इसका खर्चा भी जर्मनी सरकार ही उठाती है। क्या बात है यार, वहाँ के विकलांगों के लिए तो जर्मनी सरकार एक उम्मीद की किरण बनकर उभरी है। अब जर्मनी है तो ऐसी उम्मीद की किरणें जगमगाना बिल्कुल पॉसिबल है। दोस्तों, अब हम आपको जर्मनी सरकार का एक और अजीबोगरीब रूल बताते हैं। दोस्तों, अगर आप इंडिया की नेशनल ड्रिंक को नहीं जानते तो आपको बता दें कि इंडिया की नेशनल ड्रिंक है चाय, जिसे हम बड़े शौक से पीते हैं। ऐसे ही पाकिस्तान की नेशनल ड्रिंक गन्ने का जूस है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जर्मनी की नेशनल ड्रिंक पिल्सनर यानी कि बियर से भरा हुआ एक ठंडा ग्लास। बियर को जर्मनी के लोग पानी की तरह पीते हैं। यहाँ सितंबर के एंड और अक्टूबर के शुरुआती दिनों में 16 से 18 दिनों तक जर्मनी के मुनिथ शहर में अक्टूबर फेस्ट नाम का त्योहार मनाया जाता है, जिसमें मौज मस्ती की जाती है, बियर पी और पिलाई जाती है और बियर बहाई भी जाती है। इस त्योहार में 17 मिलियन लीटर से भी ज्यादा बियर की खपत हो जाती है, जिसकी वजह से ये 10 करोड़ से कम जनसंख्या होने के बाद भी दुनिया का तीसरा सबसे ज्यादा बियर पीने वाला देश है। यहाँ 14 साल की उम्र में लड़के लड़कियाँ बियर पीना शुरू कर देते हैं। यहाँ बियर के बिना कोई भी सेलिब्रेशन पूरा नहीं होता, जिसकी वजह से इन लोगों के लिए यहाँ 7000 से ज्यादा बियर की वैरायटीज बना रखी हैं। मतलब अगर इस चिलचिलाती गर्मी में ठंडी बियर का मजा लेना है तो जर्मनी जाना पड़ेगा, ताकि वहाँ जाकर बियर के साथ साथ कुछ और चीजों के मजे भी लिए जा सकें। दोस्तों, अब हम आपको जर्मनी का एक सबसे अच्छा रूल बताते हैं। यहाँ 90% से ज्यादा स्कूल्स और कॉलेज में एजुकेशन फ्री है, चाहे कोई विदेशी हो या फिर यहाँ का लोकल, सभी के लिए यहाँ एजुकेशन फ्री है। हालांकि 1% स्कूल्स में एजुकेशन के लिए पैसे लिए जाते हैं, लेकिन ज्यादातर जगहों पर एजुकेशन फ्री है, जो कि अच्छी बात है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं जर्मनी के एक और जबरदस्त अजीबोगरीब रूल के बारे में। वैसे तो जर्मनी की जेलों में सिक्योरिटी के लिए काफी पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं, लेकिन अगर जर्मनी की जेल से कोई कैदी इन पुख्ता इंतजाम को तोड़कर भागने में सफल हो जाता है तो फिर उसे दोबारा जेल में नहीं डाला जाता। हालांकि इसमें जर्मनी का जेल प्रशासन भागने वाले कैदियों का अपराध भी देखता है, और अगर इस भागने वाले कैदी ने कोई संगीन अपराध नहीं किया होता तो उसकी तलाश भी नहीं की जाती और उसकी सजा को माफ कर दिया जाता है। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आप भारत में गाड़ी को एक लिमिट से तेज भगाते हैं तो आपका चालान कर दिया जाता है, लेकिन जर्मनी में ऐसा नहीं है। जर्मनी में 70% से ज्यादा रोड ऐसे हैं जहां कार को आप कितनी भी स्पीड से भगा सकते हैं, लेकिन बस आपको इस चीज का ध्यान रखना होगा कि आपकी कार में फ्यूल खत्म ना हो जाए। अगर वो खत्म हो जाता है तो इसे वहाँ अपराध माना जाता है, जिसके बदले में आपको सजा या जुर्माना भी हो सकता है। बाकी इसके अलावा वो आपकी कार को भी रख सकते हैं। वैसे कार से याद आया कि दुनिया की सबसे ज्यादा कार्स की ब्रांड जर्मनी में ही है, इनमें कई नामचीन कंपनी शामिल हैं। दोस्तों, अब हम आपको यहाँ की लड़कियों के बारे में बताते हैं। कहा जाता है कि लंबी सुडोल और बोल्ड फिगर
रखने के साथ साथ सबसे ज्यादा खूबसूरत होने का खिताब भी जर्मनी की लड़कियां ही अपने पास रखती हैं, जो अक्सर वहां के लड़कों के साथ यहां आए टूरिस्ट को बहुत पसंद आती हैं। वैसे टूरिस्ट से याद आया कि यहां टूरिस्ट घूमने फिरने और रंगरलियां मनाने के लिए सबसे ज्यादा आते हैं। और आपको बता दें कि जर्मनी सिंपली इंस्पायरिंग है, क्योंकि यहां आए टूरिस्ट का स्पेशल डिपार्टमेंट है। उसने अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि यहां आए 10 में से 8 टूरिस्ट यहां की फीमेल वैश्या के साथ टाइम पास करते हैं। तभी जर्मनी में वैश्यावृत्ति के काम को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया जाता। जैसे किसी मल्टीनेशनल कंपनीज में HR, मैनेजर और ASM जैसी अलग अलग पोस्ट होती हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, वैसे ही यहां पर वैश्यावृत्ति के काम करने को लेकर भी कई डिपार्टमेंट बनाए गए हैं। मतलब कि यहाँ हाई लेवल पर इस काम को भी बड़े ही प्रोफेशनल तरीके से किया जाता है। और आपको बता दें कि जर्मनी का बोन शहर वैश्यावृत्ति के लिए सबसे ज्यादा मशहूर माना जाता है, जहाँ की सड़कों पर कई वेंडिंग मशीन्स लगाई गई हैं, जहाँ फीमेल वैश्या को काम करने के लिए इन वेंडिंग मशीनों से ऑफिशियली टिकट लेना पड़ता है। अगर वो नहीं लेती तो उसे पुलिस के द्वारा इस काम को करने से रोका जाता है। दोस्तों, अब हम आपको जर्मनी सरकार के बारे में एक ऐसी बात बताएंगे जो शायद आपको सोचने पर मजबूर कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हर साल कुछ लोगों के नामों को यहाँ की सरकार इनवैलिड बताकर रिजेक्ट कर देती है, जिसके बाद उस व्यक्ति को अपना नाम दोबारा से रखना पड़ता है। दोस्तों, है ना बहुत अजीब सी बात, लेकिन ये सच है। इस पर जर्मनी सरकार का कहना है कि जो भी आप नाम रख रहे हैं उसका कुछ ना कुछ मतलब होना चाहिए, जिसकी वजह से अब वहाँ बहुत से नाम कॉमन हो चुके हैं। अब हम आपको जर्मनी लोगों का एक और अजीबोगरीब रूल बताते हैं। जैसे अपने भारत के ज्यादातर लोग जन्मदिन से पहले ही एडवांस में विश कर देते हैं, ऐसा अगर कोई जर्मनी में करता है तो उसे बहुत ही बुरा माना जाता है। यहाँ कभी कोई किसी को एडवांस में विश नहीं करता, और खासकर जन्मदिन पर तो बिल्कुल भी नहीं। तो दोस्तों, आपको जर्मनी की ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बता दें, और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।